नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लो बीपी के बारे में कि लो बीपी क्या होता है, इसके रीजंस क्या है, क्या क्या कॉजेस है और क्या हम घरेलू ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं और क्या घरेलू ट्रीटमेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं लो बीपी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लो बीपी समझते हैं। देखिए, दो प्रेशर्स होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। यानी हम बोलते हैं कि जो 80-120 है तो 80 होता है डायस्टोलिक और 120 वाला जो होता है वो सिस्टोलिक होता है। इसको हम नॉर्मल बीपी मानते हैं, ब्लड प्रेशर मानते हैं। पर जो सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है वो जब 90 से कम हो जाता है और नीचे वाला जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 60 से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि अब बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। ठीक है, अब इसके लक्षण हमें क्या दिखाई देते हैं? लक्षण में चक्कर आ सकता है, सर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको थकावट महसूस हो सकती है, किसी काम में आपका मन ना लगना या फिर सांस लेने में भी आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखे तो बीपी एक बार चेक ज़रूर करवा लेना चाहिए। अब रीज़न की बात करें तो क्यों होता है, क्या क्या रीजन्स है? देखिए, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसमें से प्रेगनेंसी के वक्त भी किसी महिलाओं का जो बीपी है वो लो हो सकता है। कहीं हैमरेज होगा कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो खून बहुत ज़्यादा बह के चला जाता है, उस वजह से भी जो है वो बीपी लो होता है। सर्जरी वगैरह होने के बाद भी जो है वो बीपी लो बीपी की शिकायत देखने को मिलती है। डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में अगर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई उस वजह से भी जो है वो बीपी कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको हाइड्रेटेड रखना है बॉडी को, वाटर ज़्यादा पीना है, या फिर हार्ट का कोई समस्या है, हार्ट के वॉल की कोई समस्या है, या फिर हार्ट अटैक के बाद भी कई लोगों का बीपी जो है वो लो हो जाता है। एलर्जी कंडीशंस है कुछ बॉडी में, अगर एलर्जी वगैरह हो गई उस कंडीशन में भी बीपी लो होता है। ब्लड में अगर इन्फेक्शन हो गया उस कंडीशन में भी हो सकता है। थायराइड की जो समस्या, हाइपरथायराइडिज्म, उसमें भी बीपी लो हो सकता है। डायबिटीज़ की कुछ कंडीशन है उसमें भी जो है वो बीपी लो हो सकता है। तो हमें अगर बीपी को ठीक करना है, बीपी को अगर लो बीपी को अगर नॉर्मल करना है यानी बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको उसका कारण ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसका कारण क्या है। और कारण अगर नहीं मिलता तो कुछ बातें जो घरेलू नुस्खे हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक ये वाला नुस्खा बहुत काम का होता है। एक ग्लास पानी लेना है, उसमें आधा नींबू काट के निचोड़ लेना है और उसमें दो चुटकी नमक डालना है। यह आपको सवेरे भी पीना है और शाम को 5-6 बजे जब का समय होता है उस टाइम जो है वो दो बार दिन में पीना है। इससे भी आपका बीपी जो है वो नॉर्मल रहने के लिए यानी लो बीपी वालों का बीपी बढ़ने के लिए बहुत हेल्प होती है। जब भी आप चाय पीते हैं तो उसमें अदरक बहुत ज़्यादा मात्रा में डालनी चाहिए। अदरक में एक कंपाउंड होता है जो आपको बीपी को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करता है। उसी के साथ अगर आप कॉफ़ी पीते हैं, देखिए चाय को स्किप करके आप कॉफ़ी पी सकते हैं। अगर चाय पी रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अदरक डालिए, और चाय को स्किप करके अगर कॉफ़ी पीते हैं तो वो तो बेस्ट माना जाता है। कॉफ़ी एक ऐसा चीज़ माना जाता है जो बीपी को बूस्ट करता है, जिससे आपका बीपी जो है वो लो बीपी वालों को हाई बीपी यानी नॉर्मल बीपी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत हेल्प करती है। उसी के साथ नारियल पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी आपके बॉडी में रहना बहुत ज़रूरी है, वो भी आपके बीपी को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेशीर होता है। यानी अगर आपका लो बीपी रहता है तो नारियल पानी जब भी कभी हो सके तो नारियल पानी ज़रूर पीना चाहिए, और इलेक्ट्रोल पाउडर जो होता है वो भी सेवन करना चाहिए। नहीं तो फिर एक नींबू, जो नींबू शरबत होता है नींबू, उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए और थोड़ी शक्कर डाल दीजिए, वो भी इलेक्ट्रोल के फॉर्म में आप ले सकते हैं। कोई भी जूस वगैरह जब आप लेते हैं तो उसमें थोड़ा नमक डालने की आदत जो है वो डालनी आपको चाहिए। उसी के साथ बहुत ज़्यादा पानी पीना, क्योंकि मैंने पहले बताया कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो है वो बीपी लो होता है। तो बहुत ज़्यादा पानी, जो 10-12 ग्लास डेली का होता है वो पीना चाहिए, और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज भी थोड़ा बीपी को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो आपका बीपी जो है वो नॉर्मल आने के लिए, लो बीपी वालों का बीपी नॉर्मल आने के लिए बहुत हेल्प होती है। वीडियो हेल्पफुल रहा एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।